टाउन माउस रेदर टर्न ऑफ हिज लॉन्ग नोज एट हिज सिंपल कंट्री फेयर एंड सेड, लेकिन शहरी चूहे ने इस सादा देहाती खाने को देखकर अपनी लंबी नाक सकुड़ी और कहा, टर्न ऑफ इन सकुड़ी हिज लॉन्ग नोज यानी उसकी लंबी नाक, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कजन। कजन यानी भाई, मामू साहब भाई, खलेरा भाई, चचा साहब भाई, बहन वगैरह। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कजन हाउ यू कैन पुट अप विद दिस पुअर फूड। पुअर फूड यानी झूठा मोटा खाना। मेरी समझ में नहीं आता भाई कि तुम इस मोटे झूठे खाने पर कैसे गुजारा करते हो। बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द कंट्री। लेकिन अलबत्ता देही इलाके में इससे बेहतर तवक्का भी नहीं की जा सकती। एक्सपेक्ट इसके अलावा, कम विथ मी आई विल शो यू हाउ टू लिव। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। When you see town life यानी शहरी जिंदगी, you will wonder, तुम हैरान हो जाओगे। Wonder यानी हैरान। How you could ever live in the country, शहरी जिंदगी देखकर तुम्हें हैरानी होगी कि तुम इससे पहले गांव में कैसे रहते थे। Osner said that done. The two mice set off for the town and arrived at the big house where the town mouse lived in a hole. फौरन ही दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। वो एक बहुत ही लंबे चौड़े मकान में आए जहां शहरी चूहे का बिल था। यू विल वांट सम रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता, आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी, तवील सफर के बाद। अपने तवील सफर के बाद तुम्हें नाश्ते की जरूरत तो होगी, सेड द पोलाइट टाउन माउस एंड टूक हिज फ्रेंड इनटू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम। उस साइज का चूहे ने कहा अपने दोस्तों को उसी तनावल खाने में ले गया। देयर दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ फाइन फिश। वहां उन्हें एक नफीस दागब का बचा कुचा खाना मिला। सुन द टू माइस वेयर ईटिंग अब जेलीज एंड केक्स एंड ऑल दैट वॉज नाइस। देखते ही देखते दोनों चूहे जेली, केक और उम्दा उम्दा चीजें खाने लगे। यहां पर लफ्ज माइस आया हुआ है, माइस जमा है माउस की। सडनली दे हियर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग। सडनली यानी अचानक उनके कानों में ग्रोलिंग गुर्रानी की आवाज आने लगी एंड बार्किंग
और भौंकने की आवाज सुनाई दी।